नमस्कार एवरीवन स्वागत है आपका भारतीय विद्या प्रताप नगर जयपुर द्वारा आयोजित सेकंड जो मेस्टी सेकंड है उसकी इस वर्कशॉप में स्टोरी मेकिंग विद ड्रामा तो इस बार हम लोग वर्कशॉप में बात करेंगे इस बार हम जो ड्रामा की वर्कशॉप लाए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक स्टोरी क्योंकि ड्रामा जब भी हम करते हैं थिएटर हम जब भी करते हैं तो हम कोई एक स्टोरी होती है उसको हम नरेट करते हैं उस स्टोरी को हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो हम एक स्टोरी एक कहानी एक जो भी हमारा एक जर्नी है उसको ऑडियंस तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं और कैसे हम खुद की एक स्टोरी बना सकते हैं वो हम इस तीन दिन की वर्कशॉप में सीखेंगे तो अभी जो लोग भी खड़े हैं वो सब बैठ जाइए क्योंकि आज हम कोई बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करने वाले हैं आज हम सिर्फ सुनने वाले हैं क्योंकि हमारी बात है आज स्टोरी को लेकर तो आप लोगों ने आई थिंक वो एक कहावत जरूर सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए आई होप आप सबने ये कहानी ये एक जो कहावत होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए ये सबने सुना होगा पर ये क्यों कहा जाता है लॉर्ड के बुद्धू घर को आए इसके पीछे क्या रीजन है क्या है तो ये ऐसे ही नहीं है इसके पीछे एक स्टोरी है क्या स्टोरी है तो अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूं जिसका नाम है लॉर्ड के बुद्धू घर को आए अब आपको क्या करना है अभी आपको बस ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है एंड ऑफ द स्टोरी मैं आप लोगों से इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूंगी जिनके आपको आंसर देने हैं इसीलिए बिल्कुल ध्यान लगा के अपना पूरा ध्यान यहां पर आप लोगों को डायवर्ट करना है और एकदम कंसंट्रेशन के साथ फुल्ली इंटरेस्ट के साथ आपको ये स्टोरी सुननी है ओके तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी से स्टोरी का नाम है बुद्धू लौट आया किसी गांव में बुद्धू नाम का लड़का रहता था किसी गांव में एक बुद्धू नाम का लड़का रहता था जैसा नाम वैसा काम घर वाले कुछ करने को कहते लेकिन वो कुछ और ही काम कर देता माँ बाप उसे खूब डांटते थे एक दिन तंग आकर वो घर से भाग गया क्या हुआ कि एक दिन तंग आकर वो घर से भाग गया लेकिन भागने से पहले उसने अपने कुछ मित्रों को बता दिया था कि वो अमीर आदमी बनकर ही लौटेगा वो पैदल ही शहर चला गया दिन भर पैदल चलने के कारण उसे खूब भूख लगाई थी लेकिन उसकी जेब में तो एक रुपया भी न था वो ललचाई नज़रों से दुकानों पर रखी चीजों को देखता चला जा रहा था तभी उसे एक भटूरे चने बेचने वाला तभी एक भटूरे चने बेचने वाले ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने कहा क्यों भाई कुछ खाना है भटूरे वाले ने क्या बोला क्यों भाई कुछ खाना है बुद्धू ने हा में सर हिला दिया रेडी वाले ने एक प्लेट भटूरे चने उसके सामने रख दिए बुद्धू पल भर में ही उसे चट कर गया रेडी वाले ने जब पूछा और दूं तो बुद्धू ने फिर हां में सर हिला दिया बुद्धू दूसरी प्लेट भी डकार गया ठंडा पानी पीकर जब बुद्धू वापस चलने लगा तो रेडी वाले ने तम तमाकर कहा अरे 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 कहां चल दिए पैसे नहीं देने क्या पैसे कैसे पैसे बुद्धू ने हैरान होकर पूछा। क्यों? भटूरे चरे खाए है ना? तो क्या पैसे नहीं दोगे तुम ही ने तो पूछा था खाने को सो मैंने खा लिए किसने कहा बुद्धू ने कहा खा लिए बच्चे पैसे निकाल रेडी वाला गुस्से से चिल्लाया मगर बुद्धू के पास पैसे होते तब देता ना रेड़ी वाले ने ताबड़तोड़ उसकी पिटाई शुरू कर दी शीघ्र ही वो भीड़ शीघ्र ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई लोगों ने रेडी वाले को समझाया कि बुद्धू को माफ कर दे लेकिन वो वो तो उसे पीटता गया पीटता गया पीटता ही गया आखिरकार थक कर के उसने बुद्धू को छोड़ दिया क्योंकि वो बुद्धू को मार मार के थक चुका था बुद्धू का अंग अंग दर्द दर्द कर रहा था और रात भी होने लगी थी बुद्धू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहा जाए वो कहीं मकान के आगे थड़े पर लेट गया और ना जाने कब उसकी आंख लग गई अगली सुबह वो हड़बड़ा कर उठ बैठा कोई उसे जोर जोर से झकोर रहा था क्या घोड़े बेचकर सोया है दूध नहीं लेना क्या रामलाल ने उससे कहा फिर कहोगे देर से दूध लाया है बुद्धू ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा आ, कौन सा दूध तू तू रामू है ना दरअसल रामलाल दूध वाला उसे रामू समझ बैठा था तभी पड़ोसियों का लड़का बोल उठा अरे अंकल ये सब लोग तो शादी में गए हुए हैं दो-तीन दिन बाद आएंगे रामलाल जब मुड़ने लगा तो अनानयास ही उसने बुद्धू से पूछ लिया कि वो क्या करता है बुद्धू ने उसे सब कुछ सच-सच बता दिया अरे दो-चार थप्पड़ पड़ गए तो क्या हुआ भटूरे चने तो तुमने ही खाए थे रामलाल ने हंसते हुए कहा खैर छोड़ अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो रोटी लत्ते के अलावा बीस रुपए महीने दूंगा अंधन और क्या चाहता दो आंखें बुद्धू तुरंत मान गया उसी दिन से बुद्धू रामलाल के यहाँ दूध बेचने का काम करने लगा वो हर सुबह रामलाल के साथ लोगों के यहाँ दूध देने जाता रामलाल के यहाँ काम करते हुए अभी उसे पंद्रह बीस दिन के लगभग ही हुए थे एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया उसने बुद्धू से कहा अरे आज सभी घरों में तुझे ही दूध देने जाना है सुन मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुन ले हमारे पास आज दूध थोड़ा कम है रास्ते में जाते समय पास वाले कुएं में से इसमें पानी मिला लेना ताकि सभी घरों में दूध बराबर बांटा जा सके बुद्धू ने हा में सर हिला दिया और साइकिल पर दूध लाद कर चलने लगा ना जाने वो किन ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब पास वाला कुआं पीछे छूट गया वो बहुत दूर जा चुका था जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो फिर क्या था वो वापस दूध में पानी मिलाने के लिए उस कुएं के पास पहुंचा वो जब शहर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी लोग उसे देखकर गुस्से में चिल्ला रहे थे अरे ये तुम्हारा समय है आने का मालूम नहीं हमें ऑफिस जाना होता है हमारे लिए दूध लाने में देर कर दी बुद्धू ने भी अकड़ में जवाब दिया अरे तो इसमें मेरा क्या दोष है पानी मिलाना भूल गया था इसलिए देर हो गई पानी मिलाना भूल गया था किस पे पानी मिलाना भूल गया था लोगों ने पूछा दूध में और भला किस में बुद्धू ने कहा बुद्धू ने भोलेपन से कहा मालिक कहता है कि रास्ते में कुएं से पानी मिला लेना ताकि दूध बराबर बांटा जा सके तो बस पानी मिलाने में देरी हो गई मगर लोगों ने उसे इतना पीटा इतना पीटा और कहा हमें पानी मिलाकर दूध बेचते हो आने दो रामलाल को और उसे तुम्हें और रामलाल को हम दोनों को पुलिस के हवाले करेंगे लोगों ने बुद्धू की साइकिल भी छीन ली और खूब जमकर पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया बुद्धू रोता रोता अपने मालिक रामलाल के पास जा पहुंचा तथा सारी कहानी उसे सुनाई रामलाल ने तन रामलाल के तन बदन में जैसे आग लग गई हो उसने पास रखा हुआ लकड़ी का लट उठा लिया और पूरे जोर से बुद्धू की खूब धुनाई की खूब धुनाई की हाय हाय मैं मर गया हाय मैं मर गया चिल्लाता हुआ बुद्धू वहां से भाग उठा रामलाल भी उसके पीछे पीछे भागा मगर एक तो मोटा होने के कारण दूसरा तबियत खराब होने के कारण दूध वाला रामलाल बुद्धू को पकड़ नहीं पाया बुद्धू वहां से सरपट भागा रास्ते में ईख का एक खेत दिखा। ईख मतलब जो गन्ना होता है उसका रास्ते में एक का एक खेत दिखा वो खेत के भीतर जाकर छुप गया मारे भूख और प्यास के उसका हाल बुरा था फिर भी वो खेत में छिपा रहा इस डर से कि कहीं रामलाल आ न रा जाए दिन ढल चुका था अंधेरा हो गया था बुद्धू ने एक गन्ना तोड़कर चूस लिया और अंधेरे में चलने लगा तभी उसके चेहरे पर एक रोशनी पड़ी वो डर गया कौन है तू? एक आवाज आई। लेकिन बुद्धू के कुछ कहने से पहले ही एक और व्यक्ति बोल उठा घर से भागा हुआ लगता है इसे भी साथ ही ले चलते हैं। दूसरे ने उसकी बाजू पकड़ी और कहा चल चल हमारे साथ बुद्धू ने पूछा पर जाना कहाँ है जिधर हम कहते हैं उधर चल चल जल्दी चल अपने आप पता लग जाएगा कि कहां जाना है है। और और क्या करना बुद्धू हुआ उनके साथ चल दिया। वास्तव में ये लोग चोर थे और कहीं से चोरी करके आ रहे थे वो बुद्धू को भी अपने साथ ले गए बुद्धू उनके साथ रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि उन चोरों ने एक सेठ के यहाँ चोरी करने का फैसला लिया वे बुद्धू को भी अपने साथ ले गए उन्होंने एक सेठ की कोठी के पीछे बुद्धू को छत पर चढ़ा दिया।, दिया था कि धीरे धीरे से कमरे में जाना और जो भी चीज सबसे अच्छी लगे उसे मौका देखते ही उठा लाना सभी चोर भी छत पर चढ़ गए बुद्धू धीरे धीरे मकान के अंदर जा पहुंचा कमरे में एक भारी फरकम वस्तु को देख उसका बुद्धू से पैर टकरा गया उसने देखा तो वो एक बहुत बड़ा सा बक्सा था बुद्धू ने सोचा कि इस बक्से में बहुत सारा कीमती सामान होगा वो उसे उठाने लगा मगर बक्सा बहुत भारी था उससे उठाया नहीं जा रहा था उसने कुछ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने फिर धीरे धीरे इधर उधर सोच कर सो, टहलते हुए सोचना शुरू किया कि मैं इस बक्से को बाहर कैसे ले जाऊं तभी उसे चारपाई पर एक आदमी सोता हुआ दिखाई दिया उसने उस आदमी को झकोड़ना झंझोड़ना शुरू कर दिया वो आदमी हड़बड़ाक में उठ बैठा अंधेरे में एक आकृति को देख पहले तो वो डर गया लेकिन फिर आदमी ने हिम्मत करके पूछा कौन कौन हो तुम मैं मेरे बारे में बारे में बाद पूछना, पहले ये बक्सा मेरे सर पर रखवा दो बुद्धू ने गुस्से में आकर कहा मगर उस आदमी ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया बाहर खड़े चोरों ने जब ये सुना तो वो तुरंत नौ दो ग्यारह हो गए घर वालों ने बुद्धू को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की बहुत पिटाई की बहुत पिटाई की की वे लोग तो उसे पुलिस के हवाले कर रहे थे लेकिन बुद्धू भरी कहानी सुनकर उन्होंने उसे पागल समझकर छोड़ दिया वहां से छूटते ही बुद्धू सीधा अपने गांव की ओर भागा इससे तो गांव ही कहीं बेहतर है वहां डाट फटकार तो मिलती है पिटाई तो नहीं होती उसने मन ही मन सोचा और तभी से बुद्धू के ऐसे कारनामों को देखकर कहावत बन गई क्या कहावत बनी कि लौट के बुद्धू घर को आए तो कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी थी अच्छी थी इंटरेस्टिंग थी ओके वेरी गुड आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी

हर्षिता बताएगी मुझे हर्षिता आप बताइए बुद्धू के माता पिता बुद्धू के गांव वाले रामू दूध वाला छो छोले भटूरे वाला ओके रामू दूध वाला था कि रामलाल दूध वाला था रामलाल राम दूध वाला रामलाल दूध वाला ओके और चोर छो, चोर सेठ जोर सेठ वेरी गुड ओके कोई और इन कैरेक्टर्स के अलावा और किसी ने कोई कैरेक्टर नोट किया तो वो करेंगे हें, मैं उनसे पूछूंगी अरे क्या तुम ऋषिता गुप्ता और कोई ओके okay, ऋषिता आपको बताना है इसके अलावा और कोई कैरेक्टर यस मैम मैम जो दूध दूध जहाँ पे बेचने जाता था वो जिन्होंने वो गांव वाले थे उन्होंने वो ओके वेरी गुड दूर बे, दूध बेचने वो जहाँ जा रहा था वो वाले गांव वाले भी और कोई कैरेक्टर इसके अलावा तो अभी हम लोगों ने क्या बताइए मैम सेठ के परिवार वाले ओके okay, सेठ के परिवार वाले वेरी गुड तो हमारी जो अभी फेसबुक लाइव ऑडियंस है मैं उनसे भी बोलूंगी कि वो भी हमको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से कैरेक्टर इसमें नोट किए हैं आप भी हमको उसमें बता सकते हैं अपने जो भी कैरेक्टर नोट किए अब हमने क्या किया हमने कैरेक्टर नोट किए अब आप लोग मुझे बताइए कि इस स्टोरी में लोकेशन कौन कौन सी थी लोकेशन मतलब जगह ठीक है कौन कौन सी जगह थी कहाँ कहाँ ये स्टोरी ट्रेवल हुई है कहा कौन कौन सी जगह पर इस स्टोरी को इस स्टोरी के में कौन कौन सी जगह की बात की गई है ओके कौन बताएगा Raise your hand again. इनका टर्न आ गया वो नहीं बताएंगे कुछ कोई और आर्यन सिंगल आप yes, तो वो राम रामू रहता था यानी बुद्धू रहता था वो वाला गांव वो वाला गांव मतलब वो वाला शहर वो वाली जगह और जहाँ वो दूध बेचने जाता था, था वो वाली जगह वेरी गुड वेरी गुड यानी की शामू जहाँ शहर जहाँ पे उसने और चले और कौन बताएगा मैम सेठ का घर वापस घर वापस आ गया होता है तीन पॉइंट और एंड तीन पॉइंट्स हैं आपने तीनों पॉइंट्स पे काम किया अपने स्टोरी स्टार्ट की में आपने उसको पूरा जर्नी कराई बीच में आपने कुछ ऐसा उसमें डाला जिससे एक कंक्लूजन निकला कि वो वापस उसका एक हैप्पी आपने देख और बताएगा बताएगा yes, जैसे वो बुद्ध दूध बेचने के लिए गया था और लावन व्यापारी कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा तो जैसे कि वो दूध बेचने गया था ये yes. जैसे वो दूध बेचने गया था वो चोरी भी करा था और उसके बाद मार भी पड़ी थी उन लोगों से और मैम okay. ओके ने, ने क्या देख आपने देखा कि उसके साथ में कितनी सारी घटनाएं हुई मतलब कितने सारे इस स्टोरी में इवेंट्स हुए एक ही इवेंट नहीं था दो तीन इवेंट्स हुए कि उसने दूध भी बेचना शुरू किया उसने चोरी भी की उसने छोले भटूरे भी खा लिए तो उसके साथ कितने सारे इवेंट्स हुए और लाइन टू लाइन इवेंट्स हुए और हर इवेंट में कुछ अलग हर इवेंट का एक अपना स्टार्ट है एंड है और मिडल है ठीक है ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपनी अपनी स्टोरी बनाएंगे लेकिन आज नहीं अभी और भी बहुत सारी बातें होती है जो हम लोग करेंगे ठीक है अभी एक बात बताओ मुझे कि आप में से कौन कौन स्टोरी लिखना चाहता है खुद की स्टोरी बनाना चाहता है वो यहाँ पे अपना नाम लिख के भेजेगा कौन कौन अपनी स्टोरी जल्दी से मैम सॉरी टू यू मैं, मैं okay. ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ये स्टोरीज़ मांग रहे हैं ना तो इनके क्योंकि हम दोनों की जो इवेंट है और हम दोनों का ही इवेंट एक दूसरे से को रिलेटेड है yes, तो हम मैं ये चाहता हूँ कि आप इनसे लिखवाइए yes, और उस उसको लिखवाने के बाद उसका पिक्चराइजेशन उसका पब्लिकेशन जो वाला पार्ट है। yes, sir. तो मेरी वाली वर्कशॉप में क्योंकि मेरा वाला जो वर्कशॉप है उसमें आप लिखवाएंगे और उसी को पब्लिश अपन करने की कोशिश करेंगे तो That's वो गुड सर जैसे बहुत अच्छी बात है हो तो सकती है तो उसका हम ये दोनों हमारा क्या है कोरिलेट yes, तो है हम ये कर सकते हैं ऐसा यस yes सर तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस वर्कशॉप में अभी मैं इनसे स्टोरी मेकिंग पे बात कर रही हूँ कि हम कैसे स्टोरी बनाते हैं इसका कैसे और ये इन दो तीन दिन की वर्कशॉप में वो सीखते हैं और फिर लास्ट डे ये अपनी एक वर्क स्टोरी खुद की बना करके हमको सुनाएंगे फिर हम देख लेते हैं जिनकी भी स्टोरी हमको अच्छी लगती है उन सब कि वो आपके साथ में वर्कशॉप कंटिन्यू करके उसको हाँ। कैसे वो पब्लिश करवा सकते हैं उसमें और कैसे पिक्चराइजेशन आता है वो में आपकी वर्कशॉप में भी सीख सकते हैं हाँ। तो अच्छी बात है सर क्यों, क्योंकि जो हम मैं सिखाऊंगा वो यही है कि हम अपनी बुक को कैसे पब्लिश करा सकते हैं एक छोटी सी स्टोरी मतलब ये जो मेरी वाली वर्कशॉप है उसमें यही है की फिफ्थ एट तक के बच्चे उसमें बुक पब्लिश करा सकते हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें आपका एक रुपया नहीं खर्च होगा और आप एक ऑथर बन जाओगे और एक बहुत रेनोवेंट बहुत ऊंचे दर्जे के पब्लिशर्स के साथ आप काम करने का आपको मौका मिलेगा और सर हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे अभी हमारे इस वर्कशॉप में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो वन टू थ्री के भी हैं तो वो बहुत बड़ी स्टोरी तो लिखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो वो कोई छोटी स्टोरी लिखे और अगर हम ऐसे आठ दस बच्चों की छोटी छोटी स्टोरी को मिला करके भी अगर हम एक बुक पब्लिश नहीं ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने में वो नहीं है लेकिन समस्या सिर्फ यही है कि टाइपिंग कौन करेगा तो अगर ये इंटरेस्टेड है उसमें पार्टिसिपेट करने के उस वर्कशॉप में तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसा नहीं मैं किसी को रोक रोक नहीं सकता पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसीलिए तो मैंने ग्रुप में हमारे डाला है लेकिन सिर्फ समस्या यही आती है कि उसको टाइप कौन करेगा तो इनके इनके पेरेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी इनको हम्म 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 ठीक है तो अभी हम लोग एक बार यहाँ पे इस स्टोरी पे बात करते हैं और फिर आप लोग ये वाली वर्कशॉप कंटिन्यू करते हुए आप सर्वे सर वाली वर्कशॉप भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें आपको और ज्यादा पता चलेगा कि और स्टोरी को एक पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिश होने तक कैसे पहुंचाया जा सकता है हाँ, ओके तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया कैरेक्टर की प्लेस की इवेंट की अब हम बात करेंगे विजुअल्स की कि जब आपने ये स्टोरी सुनी जब मैं आपको स्टोरी सुना रही थी तब आपके आंखों के सामने जैसे एक मूवी देखते हैं हम लोग तो हमारे आंखों के सामने विजुअल्स आते हैं ना कि वो हीरो ने उस ही दूसरे विलन को मुक्का मारा या वो हीरो मैन की तरह भाग रहा है या कुछ उड़ रहा है ऐसे ऐसे विजुअल्स आते हैं जब हम मूवी देख रहे हैं तो जब मैं आपको स्टोरी सुना रही थी तब क्या आपके माइंड में आपके आईज के सामने विजुअल्स क्रिएट हो रहे थे आपको ये स्टोरी दिख रही थी कि वो कैसे भाग रहा होगा या वो कैसे जाके गन्ने के खेत में छुपा होगा है yes, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी मतलब आप जैसे जैसे बता रहे थे उस मतलब माइंड में पिक्चर क्रिएट होती जा रही थी माइंड में पिक्चर तो इसे हम बोलते हैं विजुअल तो विजुअल मेकिंग ये कब होता है हम स्टोरी लिखते हैं तो हम उसमें साथ में क्या करते हैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि वो भाग करके एक गन्ने में छुप गया जहाँ पर बहुत अंधेरा था तो गया आसपास में आवाज भी आ रही थी अगर मान लो मैं ये बोलू हमने क्या किया हमने ये बताया कि गन्ने का खेत है वो वहां पे अंधेरा है और वहां पे तो ये हमने पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया डिस्क्राइब किया तब जाके आपको क्या बना बने अगर मैं अभी सिर्फ बोलू कि वो जाके छुप गए तो अब आपको अलग अलग विजुअल बनेंगे कि घर में छुपा कि वो खेत में छुपा कि वो किस कि वो कहीं और छुपा ना तो ये क्या करना होता है हम विजुअल क्रिएट करने होते हैं तो लिखना होता है कि जैसे की अंधेरा है और अंधेरे में उल्लू के रोने की आवाज बिल्ली के रोने की आ रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत अंधेरे एक बच्चा साप से रास्ते पर ता जा रहा ये हमारा क्या था ने विजुअल क्रिएट किए तो स्टोरी में हमको क्या करना होता है विजुअल भी क्रिएट करना होता है और अब आप हमें बताइए कि मोरल कोई निकला तो स्टोरी में क्या होता है स्टार्टिंग कर ली मिडल आप आदि आपने विजुअल क्रिएट कर दिए आपने कैरेक्टर बता दिए आपने इवेंट्स बता दिए अपने प्लेस बता दिए अब स्टोरी एंड हो गई एंड होने पर आप क्या कोई मोरल देना चाहते हैं नॉर्मल एंड करना चाहते हैं ये भी आपको डिसाइड करना जरूरी नहीं है कि हर स्टोरी में से मोरल निकले मोरल मतलब कोई बहुत ज्ञान की बात निकले कई स्टोरीज ऐसी भी होती है में हम सिर्फ एक कहानी सुनाते हैं और उसका मोरल हर कोई अपने 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 अकॉर्डिंग वो डिसाइड तो अभी हम लोगों ने ये सब बातें की है आज हम लोगों मेकिंग के ऊपर बात कर ली स्टोरी मेकिंग जब हम करते हैं तब हम लोग ये ये करते हैं अब हम कल जो एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को करना में आप लोग खुद स्टोरी क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम कुछ गेम्स प्ले करेंगे तो गेम्स को करने के लिए वो गेम्स खेलने के लिए कल आपको साथ में कुछ सामान लेकर आने हैं तो वो सामान क्या होंगे बता देती हूँ कल हम लोग जब मिलेंगे सेम टाइम पे आप लोग वो आएंगे गेम्स खेले जो हमारी लाइव ऑडियंस है फेसबुक ऑडियंस आप भी कल तो जो मैं आपको आ रही हूँ कि आप साथ लेकर बैठिएगा ताकि जब हमारे ये ऑनलाइन वाले में एक्सरसाइज को करें तब आप भी ऑनलाइन उसको कर सकते हैं आपको क्या चाहिए आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है आप पेपर में से जो न्यूज़पेपर है वो चाहे से एक दिन पुराना हो दो दिन पुराना हो एक महीने पुराना हो या आज का हो या कल का मॉर्निंग का ही हो आप न्यूज़पेपर तो भी चार पिक फोर पिक्चर्स वो किसी एक पेज में से भी हो सकती है वो पूरे न्यूज़पेपर में से अलग अलग भी हो, कोई सी भी फोर पिक आप कट करके ओके कैसी टाइप की, okay? की? किसी भी, जो भी आपको जो हम आगर ऐडवर्टाइजमेंट की रख सकते हैं और हाँ एडवर्टाइजमेंट की भी हो सकती है और कोई जैसे हमारे वन टू क्लास के बच्चे वो तो अगर न्यूज़पेपर में से नहीं रखना चाहते हैं आपके पास स्टोरी बुक होती है पुरानी स्टोरी बुक हो या कुछ और ओल्ड मैगजीन हो जो आप वैसे मैं यही बोलूंगी न्यूज़पेपर में से लीजिए बुक या मैगजीन मत कट आप सब लोग पेपर में से ही चार पेक्स आप यूज आपको नॉर्मल कट देंगे और अपने साथ वो रखेंगे और कल आप अपने साथ एक पी और एक पैन या पेंसिल जो है उसे भी अपने साथ कैरी करेंगे ओके सेंड दिस लिस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप यस आई विल आई विल शेयर मैं मेरी दादी 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 नानी और सभी खबर मेरी मम्मा पापा भी सुना देते हैं मदर वेरी गुड मम्मा पापा ओके तो आपको मतलब आपने दादी से भी सुनी है पापा से भी सुनी है टीचर्स से सुनी है वो तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है स्टोरी मुझे सबसे अच्छा लगता है इनसे स्टोरी हम लिख दो अपना मैं आ, ओ, मैं अगली वो मैम दीदी दीदी से ओके okay. आपको जो चल रहा होता है आप कोई है ऐसा जिसको तो अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है स्टोरी मुझे स्टोरी, मुझे मुझे स्टोरी मुझे सुना सुनने से ज्यादा सुनाना अच्छा लगता है वेरी गुड दैट्स वेरी गुड अगर आप हम लोग मुझे भी स्मॉल स्टूडेंट कुछ सुनाना अच्छा लगता है वेरी गुड तो अभी हमारा क्या हुआ कि हम सुनना और सुनाना क्यों इंटरेस्टिंग एंड व्हेन एवर कम्स कॉज इंटरेस्टिंग होती है और आपको क्या लगता है स्टोरी और कौन बताएगा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में <laughs> बहुत सारी इवेंट हो होते हैं कभी इमोशनल होते हैं कभी हैप्पीनेस होते हैं कभी ट्विस्ट होता है तो मैम उन सब चीजों से हमें नॉलेज भी बहुत बार मिलता है और मैम लाइक like, तो हमें फील भी बहुत अच्छा होता है यानी कि आपका क्या है आप है स्टोरी अलग-अलग लग... क्या है इमोशन है रिटेनिंग यानी लग... आप लोग जब इस... इन बात इमोशन नहीं होता है ना भी इमोशन होता है करना भी इमोशन भी इमोशन होता है इमोशंस नहीं होनी और और। मैम मुझे पंचतंत्र की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है पंचतंत्र एंड ऑफ library. वाई वाई <laughs> <laughs> क्योंकि हमें उससे तो नॉलेज आपकी आपकी स्टोरी में इमोशन हो गया आपकी स्टोरी में एंटरटेनमेंट हो गया आपकी स्टोरी में इंफॉर्मेशन ओके यानी कुछ स्टोरीज में इन, भी होती है वेरी गुड इमेजिनेशन ओके आप इमेजिन करते हो ओके तो अब आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रख करके सोचना शुरू कर दीजिए क्योंकि कल हम लोग स्टोरी बनाएंगे पर वो कैसे बनाएंगे वो नहीं बताऊंगी लेकिन जब आप कल बनाएंगे ना तब आप इन बातों को ध्यान रखना तो आज जब आप वर्कशॉप के बाद में बैठोगे और रिवाइज करोगे तो इन पॉइंट्स को लिख लेना अपनी कॉपी में ताकि आप लोग जब स्टोरी तब आपको पता चले और स्टोरी हम सिर्फ लिखने की बात नहीं करेंगे स्टोरी मेकिंग की बात नहीं करेंगे उस स्टोरी को इनेक्ट कैसे किया जाता है हम वो भी सीखेंगे ओके तो स्टोरी को कैसे हम इनेक्ट करते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी स्टोरी मेकिंग भी मैं आपको कल बताऊंगी आज हम सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी एंड पॉइंट्स ऑफ स्टोरी की स्टोरी में कौन कौन से पॉइंट्स आपको रखने हैं वो हमने डिस्कस किया आज की इस वर्कशॉप में किसी को कोई भी क्वेरी है कुछ भी क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर हमारी लाइव ऑडियंस को भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं